हर हर महादेव, एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक और इस नए ब्लॉग में। और मेरे बारे में तो आपको पता ही है, बाकी कल के जो छोटा ब्लॉग रहा कल का, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ये देखिए, मैं यहाँ पे आके रुक गया था रात को आके। यहाँ इस तरीके से मैंने टेंट लगाया था इस गांव में आके, यहाँ पे ऊपर। और वो जो सामने आप देख रहे हो, सुरकंडा देवी माता का मंदिर है, छोटा सा मंदिर। और उसके नीचे भी एक मंदिर है, पुराना मंदिर है वो देवी माता का। बाकी आज मैं यहाँ से गाँव से अभी ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे एक देवता का मंदिर भी है। तो मैं अभी गांव में से होते हुए ऊपर जाऊंगा। अभी दोपहर हो गई है। और ये कुछ इस तरीके के घर होते हैं यहाँ पे गांव में, देखो इस तरीके, काफ़ी पुराने घर हैं। इनको 400 साल पुराने, और भी ज़्यादा पुराने होंगे, बहुत पुराने होते हैं गांव के घर। अभी मुझे भी रास्ता पता नहीं है यहाँ का, लेकिन कोई ना, अभी यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ देवता के मंदिर। पूछता हूँ आंटी जी से रास्ता कहाँ से। आंटी जी, यहाँ पे ऊपर देवता के मंदिर जाने के लिए रास्ता किधर से? ऊपर जाके एक देवता है ना पहाड़ पे ऊपर। हाँ हाँ, इधर से है ना, मैं घूमने जा रहा हूँ उधर, ऐसे ही जाना ना घूमने के लिए ऊपर पहाड़ पे। देखो इस तरीके से रास्ते होते हैं यहाँ पे गांव में, कहीं से भी निकल जाते हैं रास्ते, सारे भूल भुलैया ही होते हैं, कुछ पता नहीं लगेगा आपको। कहाँ से? ये वाला, ये ऊपर वाला, यहाँ से सीधा रास्ता ये वाला। देखो इतनी दूर आने के बाद एक अंकल जी मिले जिनसे मैंने रास्ता पूछा था, और अंकल जी ने मुझे रास्ता बताया कि ये वाला जो रास्ता है ना, इस वाले रास्ते पे जाना है ऊपर, ऊपर आप पहुँच जाओगे ऊपर। बाकी ये देखो, और मैं आपको है ना बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा यहाँ पे पहाड़ों में। आजकल जो फल फ्रूटों का सीज़न चला हुआ है यहाँ पे पहाड़ों में, पहाड़ी फल होते हैं। हाँ, मुझे तो नाम भी पता नहीं है पहाड़ी फल में क्या क्या आता है, लेकिन ये देखो अभी ये झड़ गया है, ये गिर गया है नीचे। ये वाला भी पहाड़ी फल है, ये खाने का होता है। इसके अंदर तो अभी आई थिंक, हाँ मतलब सही है, लेकिन थोड़ा सा वैसा हो गया है, ये ख़राब जैसा हो गया। बाकी ये देखो, ये रहे पहाड़ी फल। आंटी जी राम राम। ये कौन सा फल है ये वाला? चुल्लू बोलते हो? ओके, तो कितने रुपये किलो बिकता है मार्केट में? फिर भी आइडिया से कितने रुपए किलो आता होगा? ये महंगा आता होगा ना? हाँ हाँ, मेरे को खाने तोड़ लू। मैं ऊपर जाना ना पहाड़ पे ऊपर देवता के मंदिर, तो मतलब वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ खा लूँगा, दो चार ले लेता हूँ पक्का, जरूर ले लूँ फिर थोड़े दो तीन बार। ना 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 ना, पक्का हुआ ले लेता हूँ। ना ना, मैं आया राजस्थान से आंटी। हाँ राजस्थान, बस अभी खा लो एक खा लिया। मैं कर रहा हूँ पैदल यात्रा चारों धाम की। हाँ देखो, हाँ ये देखो, ये अंकल जी ने दिए, आंटी जी ने दिए ये वाले मुझे। कोई ना, मीठे तो लगेंगे ना थोड़े बहुत, पहाड़ों के अंदर है ना इतनी धूप में, तेज धूप में, गर्मियों में, और छाओ में बैठने का मज़ा ही कुछ अलग आता है भाई, सच में सीरियसली। ना तो गर्म हवाएं आती, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। इधर की तरफ से पूरा नदी का जो बहाव है ना, उसकी वजह से पूरे हरियाली तो रहती है चारों तरफ, बारिश होती रहती है हर एक दो दिन में, तो उसकी वजह से पूरा ही पूरा ना ठंडी हवाएं इतनी तेज़ चलती है ना कि यार, मतलब अभी भी गर्मी में एक परसेंट भी मेरे पसीने नहीं आ रहे, मतलब इतनी तेज़ गर्मी है, फिर भी मैं पसीने आ रहे। राजस्थान के अंदर अगर जाओगे तो अभी 45 डिग्री तक टेम्परेचर है वहाँ का, मतलब 45 में आप समझ सकते हो कि क्या हालत हो जाती है इंसान की। और ये देखो, और उस इतने बड़े टेम्परेचर में, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में यहाँ पे बिल्कुल हरियाली हरियाली दिखेगी, चारों तरफ घास ही घास ही। देखो इस तरीके का घास उगा हुआ है चारों तरफ, चारों तरफ पहाड़ों में। तो दोस्तों फाइनली मैं मंदिर पहुंच गया हूँ, ये सामने मंदिर है, और काफ़ी दूर आ गया नीचे गांव से। इतनी दूर यहाँ आने के बाद कुछ इस तरीके का मंदिर है, अभी इसका ताला लगा हुआ है, लेकिन कोई ना, दर्शन तो हम ऐसे भी कर लेंगे भगवान के। उत्तराखंड के अंदर Thank you.
चलो बाय बाय कर दो सब लोग। ये वाला है जो है मंदिर है, नीचे वाला ये देवी माँ का मंदिर है, सुरकंडा देवी माता का मंदिर। और अभी ऊपर नया भी बन रहा है, नया मंदिर बन रहा है ऊपर, ऊपर वाले का तो मैंने कर लिए थे दर्शन। बाकी कोई ना, अभी इस वाले मंदिर के दर्शन करके हम निकलते हैं यहाँ से। नजारा है यहाँ से देखने लायक पूरा, इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना, सच में मेरा मन तो कर रहा है मैं तो यहीं पे टेंट लगा लेता हूँ वहीं साइड में, लेकिन आज यात्रा करना जरूरी है ना, आगे भी जाना जरूरी है अभी, क्योंकि आज जितना ज़्यादा रास्ता कवर कर लूँगा कल के लिए मेरे लिए बहुत कम रास्ता बचेगा, फिर मैं कल वो वाला रास्ता कवर करूँगा। ये देखो काफ़ी पुराना ब्रिज है और काफ़ी मजबूत भी है उसके साथ। देखो पहाड़ से भी मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इन रास्तों से, इस वाले रास्ते से आ गया हूँ और ऐसी हालत हो गई है, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। अभी यहाँ से ये शायद शॉर्टकट रास्ता ऊपर जाने का, इस रास्ते से चलते हैं अभी। लगता है मतलब पता लग ही जाता है, जहाँ पर भी ऐसे रास्ते दिखते हैं ना मैं तो निकल पड़ता हूँ, मैं नहीं सोचता कि ये रास्ता कहाँ जाके निकलेगा, बस इतना मुझे आइडिया होता है कि हाँ भाई जहाँ भी निकलेगा सही जाके सही जगह जाके निकलेगा। कोई ना, नीचे से आ गया हूँ ऊपर और यहाँ पे आके ना, यहाँ पे देख कितना एक खूबसूरत रेस्टोरेंट मिला है, होटल भी है, ये पूरा होम स्टे टाइप में है। सो यहाँ पे ना भैया से मैंने कैंपिंग के लिए पूछा है इनसे, तो इन्होंने तुरंत अलाउड कर लिया कैंपिंग करने के लिए। अभी मैं आज रात इन भैयाओं के साथ में रुकूंगा यहीं पे, बाकी क्या पता कैंपिंग करूंगा या फिर इनके साथ में रुकना होगा, वो ये तो बोल रहे हैं हमारे साथ ही सोलो, बाकी देखते हैं अभी। और आज का ब्लॉग कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हर हर महादेव, जय श्री केदार, ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही प्यार दो, आपका सपोर्ट करो, बाकी तो और क्या बोलना।